हर बार माँ बाप का साथ सब छोड़कर जब दीपिका कक्कड़ आई थी मुंबई तो उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। दीपिका अपने पैरों पर खड़े होने आई थी और दीपिका ये खुद ही करना चाहती थी, इसीलिए दीपिका ने कभी किसी की मदद भी नहीं ली। नेहा पांडसे से बात करते हुए अपनी जिंदगी के राज खोलते हुए दीपिका कक्कड़ ने नेहा को बताया कि वो जहाँ मुंबई में रहती थी वहाँ से वो मीलों चलती थी ताकि वो अपना स्टोव भरवा सके। जी हाँ, गैस भरवाने के लिए दीपिका कक्कड़ मीलों की दूरी पैदल ही तय किया करती थी। दीपिका ऑटो या बस पर पैसे नहीं खर्च करना चाहती थी, इसीलिए वो पैदल चलकर जाती। दीपिका ने नेहा से बात करते हुए उन्हें बताया कि वो इस लंबी दूरी में कई सारे स्टॉप्स लेती और जगह जगह बैठकर तब जाकर वो गैस स्टोव भरवाने की शॉप पर पहुंचती और वहां से वो गैस स्टोव भरवा कर वापस घर आती। नेहा पेंडसे ने जब दीपिका कक्कड़ की ये बात सुनी तो नेहा ने कहा कि यूं तो मेरी जिंदगी में भी बहुत से स्ट्रगल्स रहे, लेकिन मैंने ऐसा स्ट्रगल कभी नहीं किया। किसी ने सही कहा है, टेलीविजन इंडस्ट्री में जिसके सर पर गॉडफादर ना हो उसकी जिंदगी का ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होता। बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और तैर के जाना है। फाइनल कट एंटरटेनमेंट डेस्क।